वेलकम टू प्रिंस कुमार नवोदयन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार। तो रैंकिंग के हिसाब से ही हम बात कर लें। ये रैंकिंग कोई ऑफिशियल नहीं है, स्टूडेंट के द्वारा दी गई हुई रैंकिंग है कॉलेजों का। बिहार में टॉप 10 मेडिकल कॉलेज की बात करें तो नंबर 1 पे PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, अशोक राजपथ पटना में है। ये 1925 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एफिलिएटेड जो है AKU से, पटना से ही एफिलिएटेड है। MBBS की सीट यहाँ है, 200 सीट है। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है DMCH दरभंगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरियासराय दरभंगा। ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एफिलिएटेड ये भी AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से ही है। एस्टेब्लिशमेंट इसका जो है 1946 में हुआ था। MBBS कोर्स की सीट यहाँ 120 सीट है। ये रही कुछ DMCH की तस्वीरें, मेन गेट का प्लेटिनम जुबली गेट, ये रहा ऑडिटोरियम। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे बात करें तो आ जाता है IGIMS पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। ये बेली रोड में है, शेखपुरा पटना। एस्टेब्लिशमेंट इसका 2011 में हुआ है, न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू है इसका, इसलिए इसका थोड़ा फी भी थोड़ा हाई है। लोग इसको सेमी गवर्नमेंट के कैटेगरी में मानते हैं क्योंकि फी थोड़ा सा इसका हाई जा रहा और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यू बिल्डिंग सब अभी बन ही रहा है इसमें, इसलिए। और ख़ासकर डॉक्टरेट के लिए काफ़ी फेमस हो गया है IGIMS पटना। MBBS सीट की बात करें तो 120 सीट यहाँ भी है। ये भी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही है और एप्लीकेशन जो है इसका वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस DMD यूनिवर्सिटी पटना से ये एफिलिएटेड है। एम्स पटना की बात हम लास्ट में करेंगे क्योंकि स्टेट कोटा के थ्रू एम्स में तो एडमिशन मिलता नहीं है, तो इसलिए एम्स की बात लास्ट में करेंगे, एम्स पटना। बाकी अदर जो स्टेट कोटा से टॉप 10 मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिहार में, उसकी बात कर ले पहले। IGIMS की कुछ तस्वीरें हैं वो देखें। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है NMCH पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, कंकरबाग में स्थित है पटना में। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है सो 1970 में हुआ था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। और इसका भी एप्लीकेशन जो है सो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना AKU से ही है। MBBS की सीट की बात करें तो यहाँ 150 सीट है MBBS की। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ पे आता है JLNMCH भागलपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, SR राजपथ भागलपुर में स्थित है बिहार में। एस्टेब्लिशमेंट इसका 1971 में हुआ था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एफिलिएटेड जो है सो AKU से है पटना। MBBS सीट की बात करें तो 120 सीट यहाँ भी है। ये रही JLNMCH की कुछ तस्वीरें। नेक्स्ट नंबर पे बात करें, नंबर 6 SKMCH मुजफ्फरपुर, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, उमानगर मुजफ्फरपुर में स्थित है बिहार। एस्टेब्लिशमेंट 1970 में हुआ था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एफिलिएटेड AKU पटना से। MBBS सीट की बात करें तो यहाँ भी 120 सीट है। ये रही SKMCH की कुछ तस्वीरें। नेक्स्ट नंबर 7 ANMCH अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया, ये भी गया में स्थित है। एस्टेब्लिशमेंट इसका 1970 में हुआ था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एप्लीकेशन जो है सो AKU से ही है।
MBBS सीट की बात करें 220 सीट यहाँ भी अवेलेबल है। ये रही कुछ ANMCH की तस्वीरें। ये PG हॉस्टल है बॉयज एंड PG हॉस्टल गर्ल्स। नेक्स्ट नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पे आता है BIMS, ये उसका पुराना नाम है वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नालंदा। अब इसका नया नाम जो है सो भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया। ये पावापुरी नालंदा में स्थित है बिहार में। एस्टेब्लिशमेंट इसका 2013 में हुआ है और न्यू कॉलेज है, अभी नया कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी नया नया बन रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। एप्लीकेशन जो है सो इसका भी एक ही यू से है। और मेडिकल MBBS कोर्स की बात करें तो यहाँ भी 120 सीट है। ये रही BIMS की कुछ तस्वीरें। वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी नालंदा। नेक्स्ट नंबर 9 GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया। ये जो है सो बेतिया बिहार में स्थित है। ये भी न्यू कॉलेज है इसलिए यहाँ का कटअप थोड़ा सा कम जा रहा है क्योंकि न्यू कॉलेज अभी बना ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी न्यू है। एस्टेब्लिशमेंट 2013 में हुआ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। एप्लीकेशन इसका भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से ही है AKU। MBBS सीट की बात करें तो यहाँ भी 120 सीट है MBBS की। ये रही GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया की कुछ तस्वीरें। नेक्स्ट नंबर 10 पे बात करें तो JKT MCH जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधेपुरा। ये भी न्यू कॉलेज है। एस्टेब्लिशमेंट इसका 2020 में हुआ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। एप्लीकेशन इसका भी जो है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU पटना से ही है। MBBS सीट की बात करें तो यहाँ 100 सीट अवेलेबल है। यहाँ सीट हर बार लगभग खाली रह जा रहा है। अभी नया तो बना ही है, धीरे धीरे इसका कटअप भी अभी कम जा रहा है, धीरे धीरे अब फेमस होने जा रहा है ये भी। तो नंबर 10 पे जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधेपुरा कुछ तस्वीरें हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मधेपुरा बिहार। नेक्स्ट नंबर बात करें तो एम्स पटना की बात कर ले, टॉप 10 स्टेट कोटा बिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात की। एम्स पटना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, ये जो है सो औरंगाबाद रोड फुलवारी शरीफ पटना में स्थित है। एस्टेब्लिशमेंट इसका 2012 में हुआ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। एप्लीकेशन इसका जो है सो स्टेजर ऑटोनोमस होता है। एम्स कोर्सेस MBBS की अगर बात करें तो यहाँ सीट 125 सीट अवेलेबल है MBBS की। ये रही एम्स पटना की कुछ तस्वीरें। एम्स OPD पटना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।